जय हिंद दोस्तों, आज मेरे पास ब्लूटूथ आया हुआ है और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये देखो किसी के पास था, वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया है। हुआ था क्या दोस्तों, इसका स्विच टूट गया था अंदर से, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक, है ना, इसका स्विच टूट गया था और इसमें जो दोस्तों ये दो को तार निकाल दिया है ना, दो को तार निकाल दिया है और इसका जो बटन था, इसका स्विच का बटन जो था ऊपर वाला, ये ऐसा जो था यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है आपका ये उसको तोड़ के वो हटा दिया और दो को तार निकाल दिया। तो दोस्तों वो मेरे ख्याल से वो बहुत बेवकूफ़ जैसा काम किया है, ठीक है, वो इजी में हो जाता है। तो देखो अब इसके जगह दोस्तों हम एक स्विच लगाने वाले हैं, बहुत इजी तरीका है दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन हो जाता है तो आप इजी में दोस्तों वो करके आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों हमें करना क्या है, तो सबसे पहले इसको ओपन करना है, ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये हम ओपन कर लिए हैं, ठीक है, चलिए ओपन तो कर लिए। देखिए यहाँ दोस्तों ये तार है, इसमें दो तार था, एक तार तो तोड़ के जो दोस्तों वो हटा दिया, मतलब टूट गया था, ठीक है, इसलिए मेरे पास ले आया, नहीं तो ठीक रहता तो वो मेरे पास मेरे ख्याल आई थिंक नहीं लाता वो। तो चलिए हम इसको जो पहले आज फ्रेश करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों पूरा एकदम कैसे कैसे करके ये फेविक्विक वगैरह दे दिया है, इसीलिए पूरा एकदम क्या बोले बर्बाद वगैरह कर दिया है, ठीक है, तो चलिए हम पहले पूरा क्लीन करते हैं सही से। एक बात का आप ध्यान रखना है, इसको क्लीन करने से पहले, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पावर ऑन होता है ना, तो इसका बैटरी का कनेक्शन को हटा देना है, उससे होगा क्या दोस्तों कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसका जो बैटरी का कनेक्शन दोस्तों ये है, बैटरी प्लस है, ये बैटरी माइनस है, ठीक, इसको जो है हम प्लस को जो है निकाल लेते हैं, ठीक है, चलिए प्लस माइनस का सोल्डिंग हम हटा दिए हैं, ठीक, अब जो है इसमें आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए अब जो है क्लीन करते हैं, तो देखो दोस्तों ये जो है हम क्लीन कर चुके हैं। तो अब देखिए इसमें जो है दो कनेक्शन निकलेगा, ठीक है, तो पहले हम चेक ये करते हैं दोस्तों कि जो है ऑन कौन कौन बटन से हो रहा है, आई मीन किस किस पॉइंट को टच करने से ये ऑन होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं इसका बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं। देखो दोस्तों ये जो है हम सोल्डिंग कर दिए हैं, देखो दोस्तों ये दोनों स्विच से जो ऑन होता है, यानी कि ये दोनों पॉइंट से ऑन होता है। तो चलिए यहाँ पे अब हम स्विच लगाते हैं, फिर से इसको ऑफ कर देते हैं, ये देखिए ऑफ हो गया है ना। तो देखो दोस्तों अब करना क्या है, ये देखो दोस्तों ये कोपर का दो वायर ले लिया मैंने और जिस जिस पॉइंट से ऑन हुआ था दोस्तों उस पॉइंट में दो को जो है दोनों वायर को सोल्ड कर देना है। देखिए ये जो है एक ये पॉइंट था है ना, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, चलिए दोनों को जो है हम जोड़ चुके हैं, ठीक, अब दोनों का कनेक्शन जो है हम इस साइड से निकाल देते हैं, ठीक, उससे पहले क्या है दोस्तों इसमें हम सेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखो चलिए ये जो है हम ये इसका लॉक टूटा हुआ है, तो चलिए हम इसमें जो है टेप मार देते हैं, देखो दोस्तों ये टेप मार दिया है। अब देखो करना क्या है दोस्तों, है ना, स्विच है दोस्तों ये पावर की का स्विच है, मोबाइल का पावर की का स्विच आता है ना, अब इसको इसमें फिट करना है। तो कुछ अब देखो दोस्तों इसका कनेक्शन जो है इसके अंदर जो है डाल देते हैं, देखिए यहाँ से आपको टेप मार दिए हैं, है ना, देखो तो इसका लॉक थोड़ा टूटा हुआ इसलिए इस जगह टेप मारे हैं, ठीक है, अब देखो ये देखो दोस्तों अब यहाँ से जो है देखिए ब्लूटूथ ऑफ है बिल्कुल, चलिए यहाँ से हम इसको दबाते हैं ऑन हो जाएगा, देखिए ऑन हो गया है ना, ये देखिए ये ऑन हो गया, चलिए इसी को यहाँ से दबाते तो ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो ये देखिए ये ऑफ भी हो गया है ना। तो दोस्तों इस तरह का कंडीशन होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।